नमो इम्पैक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ऑनर्ड बाय CCI टेक्नोलॉजी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड. प्रोग्राम्स ऑफर्ड: 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल. स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की है. कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम इन्हीं योजनाओं पर विश्लेषण करते हैं उस क्षेत्र के दिग्गज के साथ. आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की. स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर की थी. 2 साल में ये अभियान कहाँ तक पहुँचा है और इस स्वच्छ भारत अभियान के पीछे प्रधानमंत्री की क्या सोच है और सरकार की क्या योजनाएं हैं, आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी. स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है. प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से इस मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की. वर्ल्ड बैंक ने $150 करोड़ का ऋण भारत स्वच्छता अभियान के लिए मंजूर किया है. इसका लक्ष्य भारत में खुले में शौच की समस्या को रोकना, हर घर में शौचालयों का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से खात्मा करना है. इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना शामिल है. इस सब के अलावा इस अभियान में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी शामिल है. भारत सरकार ने राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और सक्रिय लोगों की भागीदारी से स्वच्छ भारत अभियान को 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है. स्वच्छ भारत अभियान को सही तरीके से लागू करने के लिए 19 सदस्य विशेषज्ञ समिति बनाई गई है. इस समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर हैं. माशेलकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक हैं. 2 अक्टूबर 2014 को जब पीएम ने ये अभियान शुरू किया, तब उनके साथ पार्टी अधिकारी, बॉलीवुड कलाकार आमिर खान, हजारों सरकारी कर्मचारी, स्कूल और कॉलेज के छात्र थे. प्रधानमंत्री को उनके कैबिनेट मंत्रियों का भी भरपूर सहयोग मिला. इसे जन आंदोलन बनाने के लिए उन्होंने 9 लोगों को चुना था, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, शशि थरूर, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी शामिल हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहरी भारत में हर साल 47 मिलियन टन ठोस कचरा पैदा होता है. इसके साथ ही 75% से ज्यादा सीवेज का निपटारा नहीं होता है. ठोस कचरे की रिसाइकलिंग भी एक बड़ी समस्या है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्वच्छ भारत मुहिम के तहत शहरों में शौचालय बनाने का काम लक्ष्य से 76% पीछे चल रहा है. लक्ष्य था लगभग 25 लाख शौचालय बनाने का, लेकिन अब तक बने हैं केवल 6 लाख. यही नहीं, शहरी इलाकों में 1 लाख पब्लिक टॉयलेट अब तक बन जाने चाहिए थे, लेकिन बने हैं सिर्फ 28,000. सफाई सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है. WHO के मुताबिक 50 से ज़्यादा बीमारियां सफाई नहीं होने के कारण लोगों को अपना निशाना बनाती हैं. स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं. डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद.
हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि फिर भी आपके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएं। महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन ने न जाने कितने ही लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने इतिहास रचा। उनमें एक बड़ा नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित रहे हैं। गांधी जी की ये बात कि पहले भारत को स्वच्छ करो, आजादी हम बाद में हासिल कर सकते हैं, ने उन्हें खासा प्रभावित किया और वे गांधी जी के स्वच्छता मिशन से जुड़ गए। इस दिशा में बहुत काम किया, कई आविष्कार किए। लगभग 44 साल पहले नई और उन्नत स्वदेशी तकनीकों का आविष्कार किया जो सुलभ शौचालय के नाम से मशहूर है। बिंदेश्वर पाठक जॉन एफ कैनेडी से भी खासे प्रभावित रहे हैं। भारत में खुले शौच की समस्या आज भी बड़ी समस्या है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब बिंदेश्वर पाठक ने अपनी युवावस्था में इस दिशा में काम करना शुरू किया होगा, उस समय ये कितनी बड़ी समस्या रही होगी। आज बिंदेश्वर पाठक के काम से सभी वाकिफ हैं। पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन बिंदेश्वर पाठक के लिए ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिनाइयों भरा रहा है, क्योंकि ये वो समय था जब देश जातिगत कर्म व्यवस्था में बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था। ऐसे में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बिंदेश्वर पाठक के लिए केवल घर के बाहर समाज में काम करना ही कठिन नहीं था, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी इस बात को साबित करना था कि जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है और भविष्य में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर गांव में हुआ। उनके दादा मशहूर ज्योतिष शास्त्री थे और पिता आयुर्वेद के डॉक्टर। समाज के तानों की परवाह ना करते हुए जब उन्होंने इसके डिजाइन को तैयार किया तो उन्हें 2 से 3 साल का समय लग गया। उसके बाद समय समय पर वे इसमें सुधार करते चले गए। 1970 में बिहार में सुलभ शौचालय बनाने के लिए उन्हें मंजूरी मिली थी, जिसके बाद बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ नाम से अपनी संस्था खोल दी। बिंदेश्वर पाठक का आइडिया कामयाब रहा। आगे चलकर सरकार की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहन मिलने लगा। अपने इस सफल प्रयोग की वजह से आज सुलभ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है। समाज को दिए अपने अमूल्य योगदान के लिए बिंदेश्वर पाठक को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें एनर्जी ग्लोब पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अक्षय ऊर्जा पुरस्कार और भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार शामिल है। डॉक्टर साहब, आपने जो है सफाई अभियान पर, स्वच्छता पर, शौचालय पर काफी काम किया है, काफी कई दशकों से आप लगे हैं। सबसे पहले यह सफाई की बात जो है महात्मा गांधी ने की थी, क्या कारण है कि जो नीतियाँ, जो दिशा उन्होंने दिखाई थी वो पिछले 60-65-70 साल में लागू नहीं हो पाई? अब कारण एक नहीं है, अनेक कारण हैं। जैसा आपने कहा, गांधी चाहते थे कि देश साफ सुथरा हो और यहाँ तक कहा था कि आज़ादी बाद में स्वच्छ भारत पहले। जो आज़ादी के लिए लड़ रहा वो स्वच्छ सब की बात पहले का। फिर शौचालय की बात की उन्होंने, खुले रूप में जो शौच की प्रथा थी और आज भी है। तो गांधी ने कहा था कि एक तो ट्रेंच लेटरिन का इस्तेमाल करो जी, और जब तक शौचालय घर में ना बने तो टट्टी पर मिट्टी, ताकि जो मक्खी है वो शौच पर ना बैठे, और फिर वही बैठ कर के वो खाने के सामान पर बैठती है जी, खाद्य पदार्थों पर। कहा अभी वो 50 सदी बीमारियाँ से फैलती है। 1968 में जब इस काम में आए तब हमारी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये आपने जो कहा सही कहा है कि महात्मा गांधी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी के बाद अन्य नेताओं ने भी चर्चा की इसकी, लेकिन जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री चंद्र मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने जिस प्रमुखता से स्वच्छता की, शौचालय की बात की है, और किसी ने पहले नहीं की। क्या कारण 70 साल तक ये फाइलों में या किताबों में दबा रहा? उसके कई कारण हैं। टेक्नोलॉजी नहीं थी, सरकार की प्रायोरिटी नहीं थी, और जो लोग योजना बनाते हैं उनकी योजनाओं में शौचालय को बहुत महत्व नहीं था। तो एक कारण तो है नहीं, अनेक कारण। मंशा और इच्छा शक्ति की कमी थी वो भी है। तो लेकिन अब ये हुआ कि
प्रधानमंत्री जी ने अब इसको जागृत कर दिया है जी, चाहे देश को जगा दिया है स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए। हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है, शौचालय की बात कर रहा है। आपकी बातों से ये लगता है कि केवल जागरूकता की बात हमने की है, जागरूकता के लेवल पे मामला हुआ है, कहानी कविता पेंटिंग से सफाई कम से कम नहीं होगी ऐसा लगता है? ये ऐसा नहीं है, काम हुआ है और हो रहा है, लेकिन है क्या कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो काम होना चाहिए वो अभी थोड़ा कदम और हो सकता है। तो हर काम में एक पॉजिटिव देखना चाहिए कैसे हो सकता है। स्वच्छता की बात एक है, शौचालय की बात एक है, तो संबंध दोनों का है। शौचालय के मामले में क्या है कि जो अभी 12,000 रुपया अनुदान के रूप में सरकार देती है जी, और उसमें जो शौचालय 12,000 में अच्छा नहीं बन सकता, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को स्वयं लिख के भेजा है, और उनके जो प्रधान सचिव हैं निपेंद्र मिश्रा जी, उनको जाके कहा हम लोग, आपने सुझाव दिया है, सुझाव दिया जी कि 30,000 से कम में शौचालय अच्छा नहीं बन सकता। तो अब उसका उपाय क्या हो सकता है? तो हमने कहा है कि अभी 12,000 रुपया यदि आप सब्सिडी देते हैं दीजिए, रेस्ट जो है आप बैंक से दे सकते हैं, बैंक को अलाउ कर दीजिए। अभी उनके जो सेक्रेटरी अभी आए हैं ड्रिंकिंग वाटर में जी, उनको भी एक दिन कलकत्ता में कहा हमने कि आप बैंक में लोन दे दीजिए तो लोग शौचालय बनवा लेंगे, क्योंकि हर के पास पैसा नहीं होता है। पहला है कि बैंक लोन मिल जाए तो हो सकता है, दूसरा है कि 30,000 रुपया यदि सरकार दे पाए तो बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है मतलब उसको राशि को बढ़ा दिया जाए जो अनुदान की राशि है सरकार की तरफ से। तीसरी बात है कि इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे अब CSR का प्रोग्राम चल रहा है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, तो एक एयरटेल कंपनी है उसने पूरा जिला ले लिया है लुधियाना, अच्छा गोद ले लिया, उनकी भारतीय फाउंडेशन की संस्था है जी, तो भारतीय फाउंडेशन से पूरा जिला ले लिया है। तो हमारे पास 1,000 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट 10,000 करोड़ से अधिक है। तो आप चाहते हैं कि वो लोग सफाई अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान में एक जिला यदि एक कंपनी ले जी, तो आपके पास टोटल जो जिला है वो आपको 677 है, तो 677 जिला है उसमें और 1,000 कंपनियाँ पास में है, एक कंपनी एक ले ले बहुत जल्द सारा काम हो जाएगा। तो कितना कितना इसमें बजट है एक जिले के अंदर, जैसे एयरटेल कंपनी ने लिया 600 करोड़ के आसपास इसमें चाहिए और उसके बाद है कि हमने एक सुझाव दिया है कि आपके 2 करोड़ NRI हैं बाद में, उनको यदि आह्वान करिए आप, और एक NRI 6 शौचालय के रुपये देता है यदि तो 12 करोड़ हो जाता है, और 6 शौचालय का दाम देना एक NRI के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 3 साल में है तो 1 साल पड़ा 200 शौचालय का। तो आपको कई के सोर्सेस हैं जिससे कि आप पैसा का आप इंजाम कर सकते, कई मोर्चे के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी अलग अलग मोर्चों पर, आपका ये कहना भी है मत उसके लोगों साथ साथ जी जी, धन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर किट करना पड़ेगा, वो भी हमने लिख के दिया है कि एक पंचायत में टोटल गांव है आपका 6,44,000 6,44,000 जी, और पंचायत है 2,51,000, तो यदि एक पंचायत से एक लड़का को अपटेन कर दीजिए तो वो लड़का 2 मिस्त्री और 4 लेबर के साथ कम से कम 20 शौचालय का निर्माण महीने में करा सकता है। तो 20 शौचालय का मतलब हुआ 240 एक साल में, और 3 साल में 720, तो 2.5 लाख को यदि आप 720 से गुना करेंगे तो होता है 18 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो सकता है। शौचालय चाहिए आपको 12 करोड़, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर करना पड़ेगा और दूसरी तरफ इस प्रकार से फंड करना पड़ेगा। तो कोई कारण नहीं है
सफाई ना, आपने कहा 600 करोड़ रुपया एक जिले में चाहिए, तो क्या मानते हैं कि 600 करोड़ रुपया लगाने के बाद एक जिला पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा, सब लोगों को शौचालय मिल जाएंगे? लेकिन इसके अंदर पाठक साहब एक चीज और जुड़ी है, शौचालय की जब हम बात करते हैं, शौचालय कहीं ना कहीं उसकी सफाई जो है पानी से भी जुड़ी हुई चीज़ है, और बहुत से शहर बहुत से गाँव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत है, तो उसका क्या हल देखते हैं आप? उसमें क्या है, कुछ ऐसे बहुत कम गांव हैं, हमने क्या किया टेक्नोलॉजी में कि 10 लीटर जो लगता था पहले जी पानी साफ करने के लिए, उसको कर दिया है 1 लीटर पानी चाहिए। जिस लोटा में आप जाएंगे अपने को साफ करने के लिए उसी में फ्लश हो जाता है, उसी में फ्लश हो जाएगा, 1 लीटर में काम चल जाएगा सारा, ये सबसे कम पानी में पड़ता है। और आपने जो CSR फंडिंग की बात की है, इसके लिए कुछ कंपनीज आगे भी आई हैं, उसमें किस तरीके से आप देखते हैं कि वो मदद के लिए जुड़ सकती हैं आप लोगों के साथ या सरकार के साथ? उसमें क्या यह CSR आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है इस तरह की योजनाओं को लेकर? नहीं है, उनको शक लगता है, उनको इंटरेस्ट कोई कम नहीं है, वो सो कहते हैं पैसा लेके लोग कहीं खा जाए, इस्तेमाल न करें, क्यों NGO की जो ये स्थिति है उसमें थोड़ा विश्वास लोगों का कम गया है, तो उनका एक ही उनकी शंका है कि पैसा देंगे लोग काम नहीं करेंगे तब क्या होगा जी। तो 2 लाख ऑर्गेनाइज NGO हैं इंडिया में जो रिटर्न भरते हैं अपना जी, और अच्छे लोग हैं, उनको आप दे सकते हैं, बिना NGO काम होने का नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपील की है समय समय पर कि कॉर्पोरेट सेक्टर इसके लिए आगे आए, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के? आया है, ठीक है, लेकिन उनका रुपया यदि आप रख लिया सरकार के कोष में तो काम होना ही मुश्किल है। उनको कही कि जैसे हम लोग भारतीय फाउंडेशन करा रहे हैं, तो पैसा कौन दे रहा है भारतीय फाउंडेशन? तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मॉनिटरिंग और सुपरविजन ये रहे कंपनी के पास जी, और NGO के पास में रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ टॉयलेट्स, मोटिवेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड फॉलोअप, ये रहे NGO के पास में जो हम लोग करते हैं, और साथ साथ 2 साल तक फॉलो करें उसको जी कि सच्चाई से बना कि नहीं बना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये काम जो है स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनको जोड़ के ही संभव है, हाँ। वही कर सकते हैं, ये अपना एक विडम्बना है इस देश में, इस देश का जो चेहरा है वो NGO ही बदल सकता है। आपके पास जो बैंक हैं वो हैं गांव में करीब 1.25 लाख जी, 1,25,000 लगभग, और 2.5 लाख पंचायत आपको है, तो 2 पंचायत पर 1 बैंक है, और लड़का जो ट्रेन होगा वो गाँव का रहने वाला है, उसी में रहता है पंचायत में, वो आसानी होगी काम करने में, कोई बाहर का जा नहीं रहा है वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में एक लेके करवाने वाला होना चाहिए, वो काम ठीक किया कि नहीं किया, ईंटा ठीक खरीदा कि नहीं खरीदा, सीमेंट बालू ठीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो देखे कौन, बिल्कुल ठीक बात है, देखने वाला आदमी जी, तो चेक एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है, होने कोई दिक्कत नहीं है और 3 साल में पूरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, उस मंशा से काम करना पड़ेगा। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से, और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ऑनर्ड बाय CCI Technology Education Excellence Award, programs offered, 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. MSME और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को मिलाने का भारत का पहला संयुक्त मंच उद्यमी भारत का निर्माण, भारत MSME प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन 11 से 13 अगस्त प्रगति मैदान नई दिल्ली। समाज के लिए बढ़े जिनके कदम, जिनका माना समाज ने लोहा, जिन्होंने बदली समाज की सोच, जानिए ऐसे ही कर्मयोगियों को हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान को केवल सफाई से जोड़कर देखना, इसको कमतर आंकना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो स्वास्थ्य और पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान को लेकर क्या कहना है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते भाइयों बहनों? 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतने बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे? ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। पाठक साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है ये आपको मालूम भी है, और इसके साथ पर्यटन और साथ में स्वास्थ्य, काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि एक तरीके से अगर इसको देश को साफ सुथरा एक माहौल मिले, लोग अच्छे से रहें, तो पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ जहाँ पर्यटन है, जहाँ लोग जाते हैं, तीर्थस्थल पर जाते हैं या घूमने जाते हैं जी, तो वहाँ पर शौचालय होना बहुत जरूरी है। शौचालय नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ? एक एक मेला लगता है, गंगा स्नान होता है, अभी कुंभ हुआ था, तो 4-4, 6-6, 10-10 लाख लोग आ जाते हैं जी। तो अब वो लोग जाएंगे कहाँ? आप कहते हैं ओपन में मत जाओ, तो कहीं जाओ, कृपया यहाँ पेशाब ना करें, तो कहाँ पेशाब करें बता दीजिए, उसके लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये भी है कि आप जो बात कर रहे हैं वो घरेलू पर्यटन की बात कर रहे हैं। जब विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो पिछले दिनों, कुछ साल पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली एक गंदा शहर है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, जो NRIs हैं, कि वो अपने साथ पर्यटकों को हिंदुस्तान लेकर आएँ। जो विदेशी पर्यटक आते हैं, केवल तीर्थ स्थानों को अगर हम एक बार के लिए छोड़ दें, आगरा की हम बात करें या हम दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं वो भी काफ़ी गंदे हैं। जो सफाई है, शौचालय एक अलग चीज़ है, उनको शौचालय तो मिल जाता है होटल्स के अंदर, लेकिन जो सफाई की जो स्थिति है पूरे देश में, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा क्या कहना है कि सरकार के साथ जब तक एक गैर सरकारी NGO ही नहीं, कोई प्राइवेट संस्था भी है, सिविल सोसाइटी भी है, दूसरे लोग भी हैं, जब तक वो मिलकर काम नहीं करेगा तब तक वो जगह साफ नहीं है। 80 घाट प्रधानमंत्री जी ने अपने से जाके कुदाली चला करके मिट्टी साफ की, और क्योंकि यहाँ 60 हजार कितने वर्ष से मिट्टी जम रहे थे पता नहीं हल हो, लेकिन प्रधानमंत्री के सफाई के बाद फिर हम लगे सुलभ की तरफ से, और हमने उसकी सफाई कितने दिन कर दी? 2 महीने, और इतना साफ सुथरा कर दिया कि अब वहाँ पर एकदम भीड़ लग रही रहती है। वही काम सरकार के द्वारा होना होता तो शायद टेंडर निकलता, फिर ये होता, फिर साल लग जाता, प्रधानमंत्री के हाथ फोन जाता, भाई क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप देश को साफ रखना चाहते हैं, तो सरकारी संस्थाओं के साथ साथ आप गैर सरकारी व्यक्तियों को, संस्थाओं को लगाइए, तब जाके वो साफ रहेगा, क्योंकि उनको जवाबदेही रहती है, उन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। और जो सरकारी लोग हैं वो केवल एक सांकेतिक ट्रांसफर उनका लगातार हो जाता है। जो सरकार में लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अपना मन से करते हैं, उनमें एक उत्साह काम करने का होता है, इसलिए करते हैं, नहीं तो उनको प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट तक है, वो करे ना करे उनको हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको तो इतना बड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वह सरकारी नौकरी जहाँ मिल गई
उसके बाद निश्चिंत हो गए वो, और उसके बाद फिर ट्रांसफरेबल उनकी जॉब है लगातार जी। लगाइए कैसे आदमी को जिसको खतरा है, उसको आप भगा सकते हैं, उसको आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका काम छीन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लगा दिए साथ साथ, सरकारी संस्था भी काम करे, अकेले गैर सरकारी भी नहीं कर सकते। सुलभ का जो अनुभव है कि सरकार और गैर सरकार आपसी तालमेल होना चाहिए, दोनों मिलजुल के काम कर सकते हैं, समाज का काम हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का जो शिक्षा की योजना है, मेरे हिसाब से इसको यदि पूरा होना है, देश साफ रखना है, तो दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि ये तो 24 घंटा करते रहते, प्रधानमंत्री तो खुद झाड़ू लेकर हर जगह नहीं जा सकते हैं। वही है ना, उन्होंने तो करके दिखला दिया। 1901 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की जब अब तो कोलकाता बोलते हैं उसको जी, तो स्वयं गांधी ने झाड़ू उठाया था 1901 में, और वही फिर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री से झाड़ू उठा लिया जी। जो झाड़ी स्वयं उठा लिया और साफ दिखा दिया, झाड़ी सिंबलिक उठाया नहीं, झाड़ू मार के दिखाया। और जो सफाई कर रहे थे आप जा देखिएगा फिर फुटेज होगा तो जी, जो आपको 80 घाट में कुदार जो चला रहे हैं जी, लगता है कि एक मजदूर कुदार चला रहा हो इस तरीके से, वो उससे सफाई कर रहे थे, कुछ सिंबॉलिक नहीं था वो। तो उस प्रकार से एक प्रधानमंत्री ने देश को बतला दिया भाई सफाई ऐसे करो आप, तो देश को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आप देश जो है प्रधानमंत्री कहने से एक जागृत हो चुका है, सोच बदलाव हो चुका है, संस्कृति बदलाव हो रहा है। क्यों संस्कृति बदलाव जरूरी है, खुले रूप में शौच जो हम जाते हैं उसके पीछे हमारी संस्कृति का भी उसमें योगदान है। ये क्या है कि हमारी संस्कृति बदलाव लाना है तो जागृति काफ़ी हो गई है, प्रधानमंत्री का योगदान है, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो सुलभ है, और मैं जो हूँ दूसरा पाठक, हम एक पुल का काम कर रहे हैं जी। हम ब्रिज ना बनाते होते, सुलभ शौचालय का आविष्कार हम ना किए होते तो आज भी बहुत बड़ा योगदान है आपका जी। न महिला ढोने की साफ सुथरी, न खुले पर शौच करने की। तो ओपन डिफिकेशन को मान लीजिए रावण है यदि है, और उसको इनको राम मान लीजिए, और इनको तीर मारना छोड़ना है तो पुल चाहिए था, तो हमने पुल बना दिया है, काम बना के टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके बना के चला के दिखला दिया, अब देश तैयार है उसको। बड़ा अच्छा आपने जो है जानकारी दी है पाठक साहब, और आपने सुझाव भी दिए हैं सरकार को, हम चाहेंगे कि सरकार तक वो सुझाव आपके पहुंचेंगे, आपने लिख के भी दिए हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि 12,000 की बजाय 30,000 रुपये का खर्चा आता है, एनजीओस को जोड़ा जाए, साथ में कुछ लड़कों को ऐसे तैयार किया जाए जो अलग अलग गाँवों के अंदर काम करें, सीएसआर की आपने बात किया, कोई और एक दो सुझाव आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के जरिए कि किस तरीके से इस काम को 3 साल में और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं अब देखिए इसमें क्या है कि सुना है हमने कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में कुछ सेक्रेटरी साहब आए हैं जो वर्ल्ड बैंक से आए जी, IAS तो सर हैं, वो वर्ल्ड बैंक से वो क्या है, उनको पवन जी ने कहा 3 साल के अंदर करना है, तो वो बैठे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के साथ बैठे जिसको अनुभव काम का और उनके साथ योजना बनाए, और जो हमने बता दिया सबको इसको मिला करके और साथ साथ जो देश के लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ा, बिना जनता के सहयोग से कोई काम पूरा होने का नहीं। तो गांव गांव में जागृति तो आ गई अभी, तो विशेष बच जाता है क्योंकि शौच करने के लिए बाहर जा रहा है तो विशेष बचता है गाँव में, तो जागृति तो आई है। तो सरकार, स्वयंसेवी संगठन और संगठन और नागरिक तीनों मिलके काम करें, क्रियान्वयन तभी हो पाएगा। कोई कारण नहीं है कि 3 साल में काम पूरा नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमो इम्पैक्ट से बात करने के लिए, आपने इतने अच्छे सुझाव दिए। और आज हमारे साथ थे पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिन्होंने नमो इम्पैक्ट पर, स्वच्छ भारत अभियान पर बहुत सारे अपने सुझाव दिए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। उनका ये कहना है कि स्वच्छता को जो है उसको अपनाया जा सकता है, पूरे भारत को स्वच्छ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के 2 साल निकल गए कार्यकाल के, उन्होंने जो योजना शुरू करी है लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में समय लगेगा, समय लग रहा है, स्पीड इसकी धीरे है। अगर सुझावों को अपना लिया जाए जो डॉक्टर साहब के सुझाव हैं तो 3 साल में पूरे भारत को स्वच्छ किया जा सकता है। कमी है तो सिर्फ एक इच्छा शक्ति की।
नमो इम्पैक्ट के अगले कार्यक्रम में हम आपको अगले सप्ताह किसी नई योजना के बारे में बताएंगे किसी और दिग्गज के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।